उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की कांट विधानसभा की ग्राम पंचायत मंगोपुरा के स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिलाएं अपनी सास और पतियों के साथ कार्यक्रम में पहुंची और तरह तरह के सवाल डॉक्टर्स की टीम से उनके द्वारा किए गए। परिवार नियोजन को लेकर आयोजित एक दिवसीय सास बहू सम्मेलन में जिज्ञासा वर्ष महिलाएं डॉक्टर से तरह तरह के सवाल कर रही थी, जिसको लेकर मुरादाबाद से कार्यक्रम में पहुंची डॉक्टर संध्या गुप्ता द्वारा पूरी शालीनता के साथ उनको जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा गर्भ अवस्था के समय कैसे हम अपने दैनिक कामों को देखें और किन किन सावधानियों को रखें, इस विषय पर भी महिलाओं द्वारा सवाल किए गए। सास बहू सम्मेलन पर जब स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर संध्या गुप्ता से बात की गई, तब उन्होंने बताया कि आज हमारे केंद्र पर मंगूपुरा की महिलाएं अपने पति और अपनी सास के साथ यहां पहुंची हैं। उनको विभिन्न बिंदुओं पर जानकारियां दी जा रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित उनको जानकारियां दी जा रही हैं, वहीं खानपान से लेकर स्वच्छता तक पर उनको बताया जा रहा है, कोविड-19 वैक्सीनेशन पर बताया जा रहा है। जानकारियां पाकर महिलाएं भी संतुष्ट नजर आ रही हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर संध्या गुप्ता द्वारा बताया गया, आज हमारे यहाँ पे सास बेटा बहू सम्मेलन है। क्या चीज बता रहे हैं आप इन लोगों को? आज हमने लोगों को अधिकतर सारी की सारी गर्भवती महिलाएं हैं जो अपने सास और हस्बैंड के साथ आई हुई हैं। इन्हें हम परिवार नियोजन के बारे में बता रहे हैं कि परिवार नियोजन हमारे जीवन में कितना लाभ है। क्या अपील करना चाहेंगे आम जन से भी अपने इस अभियान को लेकर? आम जनसंख्या से, स्पेशली मेरी गर्भवती महिलाओं से तथा उनकी सास से ये निवेदन है कि वे एक तो अपनी बहू का एंटीनेटल चेकअप जरूर कराएं, जो बच्चे के टाइम पे जांच की जाती है वो जरूर कराएं, अपने आसपास जो भी एनएम आती है उसे टीके जरूर लगवाएं, आयरन और कैल्शियम की गोली अवश्य लें, और हर बच्चे के बीच में 1 से 3 साल का अंतर जरूर होना चाहिए, 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर।